Z6 और ईयर कौन सा अपना? 2023 मतलब एक साल मेरा कोई प्लान भी नहीं है कुछ चेंजेस कराने का। अच्छा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि कुछ और चेंजेस करा के कुछ गाड़ी में पंजा दबा के अरे दो तीन हाथ होते ला लोगे तो उसमें कुछ। मेरे को तो मैनुअल पसंद थी इसीलिए मैंने लिए ऑटोमेटिक। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, होकर तो सारे बढ़िया पाएंगे मस्त पाएंगे। तो भाई अब तक सारी मॉडिफाइड गाड़ी ला चुका हूँ भाई, आज थोड़ा अलग वीडियो अपनी आज है भाई, ओनर रिव्यू के ऊपर अपनी रहने वाली है भाई स्कॉर्पियो एन। और भाई टोटली ओनर शिप बताएंगे भाई कैसा कुछ है, रिस्पॉन्स है गाड़ी का, भाई ने कितना टाइम होगा कितना कुछ नहीं। तो भाई वीडियो पूरी देखना, वीडियो स्किप मत करना और भाई कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भाई वीडियो में जो डिटेल बताई है वो सब कैसी लगी। तो भाई आज अपनी वीडियो में भाई अपनी स्कॉर्पियो एन और ये जो कि अपने अमन भाई की है, तो कैसे हो भाई? बढ़िया। तो भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो क्या नहीं? यार मैं वैसे तो आईटी में इंजीनियर हूं, पर हो गया मेरे को 4-5 साल। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम थोड़ा बहुत देख लेते हैं बाकी तो आपने ये कैसे प्लान करी मतलब स्कॉर्पियो एन लेने का? यार असल में सही बताऊँ तो मेरा प्लान था नहीं लेने का। अच्छा, मैं बुक कराया था जो ये अपनी कौन सी गाड़ी आई थी, ग्रैंड विटारा और इसके साथ टोयोटा की भी एक आई थी गाड़ी। हाँ, वो दोनों बुक करा के आ रखा था मैंने। ये एक दोस्त ने बुक कराई थी 1 साल पहले। हाँ, इसकी डिलीवरी उस टाइम आई नहीं, उसने उठा के दूसरी गाड़ी ले ली। जब इसकी डिलीवरी आई तो फिर उसका मतलब ले चुका था वो गाड़ी, तो उसी ने प्रपोज किया था कि ले ले मेरे वाली, ये वाली गाड़ी अच्छी है। तो फिर मैंने इसका देखा रिव्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें देखी तो ठीक था सारा काम इसका, इस वजह से बस प्लान बना लिया। बजट से थोड़ा ऊपर गया मैं, बट फिर भी चीज़ें सही थी। तो अपना कौन सा मॉडल रहने वाली अपनी है? ये भाई Z6 है मेरी। Z6 और ईयर कौन सा अपना? 2023 मतलब एक साल के आसपास हुआ भी है ना? ऑलमोस्ट 1 साल। तो आपने मतलब कुछ चेंज भी नहीं करवाया, मतलब स्टॉक चला रहे हो? नहीं, अभी तो जो इन स्टॉक आता है सारा वही चला रहा हूँ, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है कुछ चेंजेस कराने का। अच्छा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि कुछ और चेंजेस करा के कुछ गाड़ी में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर्स जो होते रखे हैं वो काफ़ी ठीक है। एक आधी जगह आपको लाइट की कमी लग सकती है, पर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अच्छा, तो लाइट के बारे में बात करें तो मतलब आप बताओ कैसा रिस्पॉन्स लगा आपको? यार लाइट का ऐसा है कि ना, अगर आप फॉग वगैरह के हिसाब से देखोगे तो आपको येलो लाइट बहुत ज़्यादा सूट करती है। इसमें आती है येलो लाइट Z6 में। अच्छा, ठीक है। Z8 में वाइट आ जाती है, Z8L में आती है जो आपकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं वो। तो धुंध वगैरह के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें येलो लाइट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके लिए ही बस मेरे को ये लगता है कि सर्दियों में काम आती है, गर्मियों में हमारे ऐसे रोड तो है नहीं, भारत सरकार ने इतनी डेवलपमेंट तो करी दी कि जहाँ आपको थोड़ी बहुत लाइटें मिलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोड पे कुछ विजिबिलिटी नहीं होती। तो फॉग लैंप्स के चक्कर में अगर वो फॉग लैंप्स डलवाऊँ मैं तो वाइट लाइट में ही आते हैं, उसका कोई बेनिफिट लगता है। वाइट लाइट में भी मैंने चला के देखी है और येलो लैंप में, तो येलो समहाउ उससे ऊपर ही ऊपर बढ़ती है कहीं ना कहीं, इसलिए बस चेंजेस नहीं करवाना चाहता। नहीं तो बाकी तो सारी चीज़ें मतलब हैं, फिर वही है शौकिया चीज़ें होती हैं, आप कितनी डलवा लो, चाहे इसमें 2 लाख की डलवा लो चाहे 4 लाख की डलवा लो, वो तो कभी कम नहीं हो सकता। मतलब ये कह सकते हैं हेलोजन अपनी ऑल सीजन के लिए सही है, सूटेबल है ना? ऑल सीजन के लिए सही है, हाई बीम पे अगर आपकी चलती है तो थ्रो भी ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा मैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ दिखे ही ना आपको, हेलोजन का फायदा है भाई। फ्रंट में अपने भाई मतलब नॉर्मल ये हेलोजन आते हैं और भाई फॉग लैम्प नहीं आते हैं ना अपने? फॉग लैम्प इसमें नहीं आते। और कैमरों मेरे अपने कैमरा क्या? कैमरा रिवर्स कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा टॉप मॉडल में ही आता है बस। अच्छा, और रिवर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये दोनों चीज़ें आती हैं। टी रिवर्स वाले की भी ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा मैं, हुंडई से कंपैरेटिवली थोड़ी सी महिंद्रा ने पागलपंती कर रखी है तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम लगती है मेरे को। बट वैसे आपको अगर पीछे देखना है तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको चीज़ें साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रही, रात को भी सही पिक्चर आती है और दिन में भी सही आती है। और भाई अपने टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स अपने कितने इंची दे देती है कंपनी अपने? ये है 17 इंची देती है, 245/65/R17। हाँ, तो ये अपनी प्रोफाइल है, अच्छी खासी प्रोफाइल भी है अपने, है ना? हाँ, तो कंफर्ट कैसा है इसमें? कंफर्ट के मामले के लिए ही मैं इसको मतलब ऑल ओवर बढ़िया रेटिंग देना चाहूँगा, बाकी सारी चीज़ें ऑल ठीक हैं, पर आगे 2 सीट और बीच वाली सीट का जो कंफर्ट लेवल है वो आपको एक दोस्त के पास और है दूसरी गाड़ी, उसमें भी मैं बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और जैसे कि मैं नंबर देख रहा हूँ, अपना नंबर अपना ये रोहतक साइड का है ना, रोहतक का? हाँ, रोहतक का।
तो आपने मतलब रोहतक से बिलोंग करते हो आप? हाँ मैं रोहतक से ही बिलोंग करता हूँ, मैं रोहतक में ही रहता हूँ भाई, यहाँ भी आता रहता हूँ, दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ बैठते हैं। अच्छा, आईटी का अपना गुड़गांव में चलता है सारा, वहाँ वैसे टॉप मॉडल जैसा सब कुछ दे रखा है, हमने पीछे वाइपर भी दे दिया है ना? हाँ पीछे वाइपर है, ये डिफोगर है, डिफोगर वगैरह भी है, ऊपर भाई एंटीना भी हो गया अपना, साकिन एंटीना, और भाई बैक से भी अच्छी खासी लुक भी है। तो लुक के मुकाबले में कैसी लगी आप? कंपैरेटिवली ना एक तो प्रोफाइल भी बढ़िया है आपकी, हाइट वगैरह के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से। अब मैं अभी 2 दिन पहले ही सोलन तक गया हुआ था, पीछे वाली सीट फोल्ड करके अगर 2 बंदे जा रहे हो तो मैंने तो गद्दा इसी में डाला हुआ था, पूरा 4x6 का गद्दा आ जाता है, आराम से आप सो सकते हो, टेंटिंग टूंटिंग जो भी करनी है वो आराम से हो सकती है। तो स्पेसियस भी है नो डाउट, और लुक्स तो है ही, फिर महिंद्रा बनाती है ऐसी कोई गाड़ी नहीं है शायद कि जिसके लुक्स से वो कंपेयर करे, तो थोड़ी रोरिंग गाड़ी है, ऊपर बोनेट बोनेट की हाइट भी ज़्यादा है, गाड़ी की हाइट भी काफ़ी ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा हाइट का वो लगता है बिकॉज मेरी खुद 6'1" की हाइट है, तो मैं नॉर्मल अगर सेडान क्लास में बैठता हूँ तो मेरी सर लगता है ऊपर, इसमें स्पेशियस भी है ऊपर भी है, इसीलिए सबसे बढ़िया प्रोफाइल लगती है मेरे को। तो अपनी ये ऑटोमेटिक में अपनी मैनुअल है? नहीं मैनुअल है भाई, मैनुअल। ऑटोमेटिक में सोने वाला काम हो जाता है यार, नींद आती है। अच्छा। बैठ के कहीं भी सो जाओ उसमें फिर वही काम है, इसलिए ठीक है। मैनुअल में टाइम पास भी होता रहता है, जाम जूम में ही मेनली जरूरत पड़ती है ऑटोमेटिक की। हाँ। अब जाम में आप बैठे रहोगे, गाने सुनते रहोगे, कितने एक सुनोगे, एक क्लच पे पंजा दबा के अगर 2-3 हाथ होते ला लोगे तो उसमें कुछ। मेरे को तो मैनुअल पसंद थी इसीलिए मैंने लिए, ऑटोमेटिक भी एक दोस्त के पास उसने भी सजेस्ट करा था बट आई रिजेक्टेड दैट ऑफर यार। और पीछे अपने भाई पार्किंग सेंसर, हमने 4 है ना, 4 सेंसर है। तो भाई बाहर से तो हमने दिखा दिया, बाहर से कुछ इस तरह की गाड़ी है, स्टॉक में अपनी है ना, तो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते क्या कुछ। तो भाई अंदर से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है, बाकी भाई अपना ये हार्ड टच में है ना अपना? हाँ ये हार्ड टच है, टॉप मॉडल में सॉफ्ट आता है ना अपना? सॉफ्ट आता है टॉप मॉडल में, Z8L में आता है सॉफ्ट, ये वाला भी सॉफ्ट आएगा, ये टच सॉफ्ट आएगा, ये भी टच सॉफ्ट है उसका, पियानो फिनिश है ये वाली, ये सारी चीजें, बस इसमें इंटरनल में यही चीजें अलग है, बाकी तो इंटरनल और फीचर सारे ऑलमोस्ट सेम है। टॉप मॉडल में Z8 में L में अलॉयज वगैरह आ जाते हैं, अलॉयज की भी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं थी इसलिए मैंने कोई अल्ट्रेशन नहीं कराई उसमें, और ये सॉफ्ट टच है, 2-3 चीजें, ये है एक वायरलेस चार्जर आ जाता है इधर, वो इसमें मिसिंग है बस, उसके अलावा शायद ऑलमोस्ट सेम सी चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। बाकी अपना ये भी मतलब सिल्वर में टच में दे दिया अपना है ना, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये सिल्वर फिनिश है। वैसे पहले वाली स्कॉर्पियो से मतलब लग्जरी तो है ना यार, उसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो एक तो शॉकर्स में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करी है महिंद्रा ने इस गाड़ी में, ठीक है, उसके अलावा जो फीचर्स लोड कर दिए ना अब इसका, हाँ। मतलब पहले इतना नहीं था उसमें, तो रॉ लुक आती थी गाड़ी की, तो वो सारी चीजों के साथ हट आउट होके इन्होंने अब मॉडिफिकेशंस करी हैं, चीजें अच्छी लेके आए हैं, वो सारी चीजें तो बेनिफिशियल है ही है। अब ये क्या नाम है, लाइट लुइट भी ऐसे दे दी, सनग्लास होल्डर यहाँ पर है आपके पास, सनरूफ पूरी है ही ओपन के लिए, Z6 में आती है, 4 में नहीं आती, 6 से ऊपर शुरू हो जाती है इनकी सनरूफ, तो ये सारी चीजें थी इसकी वजह से ही बस फाइनल करी थी। और मतलब मेरा तो ऐसा था कि विद इन 3-4 days में करके फाइनल और ले ही आया था। अच्छा, बिकॉज इन स्टॉक आ गई थी तभी उसने भाई ने फोन किया था, मैंने आपको बताया जैसे, तो उसके बाद फिर फाइनल ही कर दी थी। तो सनरूफ भी अच्छी खासी बड़ी है, नहीं कि छोटी कह सकते हैं ना अपनी? हाँ सनरूफ सही है, सनरूफ में से 2 बंदे आराम से निकल जाते हैं, हम जब घूमने वगैरह जाते हैं तो भाई इसमें से वेदर का एंजॉय तो वहीं से कर सकते हो आप, काफी मतलब स्पेशियस है, और फ्रंट सीट से भी एक्सेसिबल है और बैक सीट से भी एक्सेसिबल है, बेस्ट पार्ट ये है इसकी प्लेसमेंट का। एक पैनोरामिक सनरूफ में तो नो डाउट आपका खुलता तो सेम पैनल ही है, उसके बाद बस पीछे आपका वो एक्सटेंड हो जाता है, पर उसका भी कोई बेनिफिट लगा नहीं मेरे को बिकॉज कवर्ड ही रहता है ऑलमोस्ट वो हाफ एंड द टाइम, जब खुलता है तो आगे का शीशा ही खुलना होता है, तो यही वो ठीक है। इसमें सारी चीजें हैं, सनरूफ वगैरह भी सारी चीजें कंप्लीट करती है, तो भी अच्छी खासी सनरूफ भी है। और भाई सनरूफ के साथ मतलब स्कॉर्पियो में मतलब किसी ने सोचा नहीं था पहले है ना कि भाई स्कॉर्पियो में सनरूफ देगी कंपनी? हाँ स्कॉर्पियो थोड़ी सी रफ एंड टफ गाड़ी मानी जाती थी ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, इनके लिए ज्यादा बंदे इधर उधर घुसाते रहते, इसीलिए उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक भी कंटिन्यू रखी है। एग्जैक्टली, वो अभी भी 2 मॉडल में निकाल रहे हैं, चल रही है वो भी।
तो आपने मतलब उसके मुकाबले में आपको कौन सी बेस्ट लगी? यार अब वही है, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं बंदे के। अगर उसको पुराने पे जाना है, मतलब रॉ लुक लेनी है, कुछ वो चाहिए, तो फिर वो ओल्ड प्रेफर करते हैं। बट मेरे पास पहले स्कॉर्पियो पुराने वाली भी थी, वो टॉप मॉडल थी। उसके बाद मैंने ये Z8L छोड़ के और ये Z6 इसी ले ली थी, बिकॉज इसमें सारे फीचर्स उस वाले तो है ही हैं। उसके अलावा इसमें मतलब और कुछ मॉडिफिकेशन कराने की मेरे को जरूरत लगी नहीं। तो फीचर्स के साथ लोडेड आती है गाड़ी, ये एड्रोनिक्स वगैरह के, कनेक्ट वगैरह के, आपकी गाड़ी कहाँ है, कहाँ स्टॉप हो रही है, कहाँ स्टार्ट हो रही है, सारी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आती रहती हैं। तो वो सारी चीजें भी काफी यूजफुल लगी मेरे को, ताकि आप ट्रैक कर सको कि कहाँ पर व्हीकल है आपकी, कब स्टार्ट हुई, कब स्टॉप हुई, सारी नोटिफिकेशन, फ्यूल डायरी वगैरह सब कुछ देता है। एड्रोनिक्स में भी अच्छा खासा काम करा हुआ है कंपनी ने, जो कि आपके पुराने मॉडल में नहीं आती है। जो आप पहले से तो अपनी क्लासिक में भी बहुत सुधार आया है। हाँ, उसमें भी चेंजेस करे। पहले बोलते थे कि बॉडी रोल भी बहुत ज्यादा था उसमें, पर अब बॉडी रोल भी कम हुआ उस वाली में। उसका यार अब मेरे पास पुराने वाली थी, उसका नए वाले का Z11 तो मैंने चलाई है बस, पर ज्यादा यूज नहीं करी तो उसका नहीं बता सकता मैं। बॉडी रोल इसमें नहीं है। इसकी बेस्ट पार्ट ये है, बॉडी रोल नहीं है और शॉकर ठीक है, अब्सॉर्बिंग है, काफी बढ़िया मतलब काम करा हुआ है शॉकर्स पे भी कंपनी ने। मतलब हाई स्पीड कितने तक ले जा चुका था भाई? मैं 175 तक चढ़ा चुका हूँ गाड़ी, और स्टेबल अब नहीं। स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 175 पे फिर ब्रेक टेस्टिंग नहीं करी है मैंने, नो डाउट, बट 175 तक मैं ले जा चुका हूँ। मेरे पास वीडियो भी थी उसकी पहले, तो अब शायद डिलीट हो गई होगी, बिकॉज बस वही था। एक बार इंजन खोलने के लिए जैसे स्टार्टिंग में नई गाड़ी ली थी ना, तो उस टाइम कर रहे थे कि ठीक है थोड़ा सा इंजन खुल जाएगा, तो बस उसी लिए नहीं तो नॉर्मली 80-100 चलती है गाड़ी, उससे ज्यादा नॉर्मल शुरू शुरू में होता भी कभी थोड़ा भगा के देखे नई गाड़ी कैसी क्या नहीं। तो बिल्कुल ये तो मतलब वो है, इंडियंस है तो थोड़ी हमारी टेस्टिंग ऐसी होती है कि कितनी टॉप स्पीड जाती है, क्या वो चीजें हैं। बाकी भाई अपने इसकी बात करें, अपने डिस्प्ले से इनमें क्या क्या फंक्शन है अपने भाई? इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, ये एप्पल कार प्ले नहीं, ये एप्पल कार प्ले नहीं है, नेविगेशन इनका इनबिल्ट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन दोनों चीजें हैं इसमें। ये जो इसका डैशबोर्ड आता है ये सारा नॉर्मल है, जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है। एप्पल कार प्ले मेरा कनेक्टेड पड़ा हुआ है, तो वो एप्पल कार प्ले भी आता है और एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले वो जो आप बता रहे थे वो भी, दोनों चीजें हैं। वो तो वायरलेस है और दोनों, बेस्ट पार्ट इज दिस, इससे Z4 में वायर्ड आता है और इसके ऊपर मतलब Z6 से शुरू हो जाता है वायरलेस। तो यही सारी चीजें देख के कि Z4 में क्या है, Z6 में क्या है, इसीलिए मतलब ये टॉप मॉडल से मतलब कंपैरेटिवली नो डाउट एक दो फीचर्स उसमें, एक दो फीचर्स क्या, कुछ फीचर्स एक्सटर्नल विजिबिलिटी में ज्यादा है, बट इंटरनली सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट। अब मेन चीज तो जैसे आपने देख सकते हो भाई, बैक में अपना वाईफायर डिफोगर आ चुका है ना, अपनी सनरूफ भी मिल चुकी है और ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल भाई, अपना स्टीरियो भी अच्छा खासा है ना, मतलब मेन फंक्शन जो होने चाहिए गाड़ी वो सब कुछ है ना। डाउन हिल असिस्ट, ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, SOS बटन दे रखा है, ड्राइविंग मोड सेलेक्ट, जिप जैप जूम होते हैं इसमें, वो भी कर सकते हैं आप लोग, तो वो सारी चीजें दे रखी हैं। और नीचे अपने चार्जर पोर्ट है, उन्होंने USB हाँ पोर्ट है, एक USB पोर्ट है, ये चार्जिंग फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, ये पैसेंजर का सीट बैग, ये एयरबैग कंट्रोल का वो है, ऑफ भी हो जाते हैं। ऑफ आप सिस्टम से कर सकते हैं, पर अल से ऑफ क्यों ही करने हैं, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो फिर भाई वैगनार ही ले लेते हैं। ये तो है। हाँ। तो जैसे आपने वैगनार की बात करी तो लोगों ने भाई ये भी बोला कि भाई वैगनार जैसा लुक दे दिया गाड़ी का पीछे। तो भाई अब ऐसा तो होता नहीं है कि कितने डिजाइन लेके आओगे आप, कहने को तो वॉल्वो का लुक भी कह सकते हो आप। हाँ। ठीक है, बट वही है कि जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, और जिसने चला के या एक्सपीरियंस करके देखा है दे विल से कि ठीक है बढ़िया गाड़ी है। असली मजा तो उसी को पता होगा भाई जिसने चला के एक्सपीरियंस ले लिया है ना गाड़ी का। हाँ, एक्चुअली मैंने ना 1 साल चला ली है, तो मेरे को कभी ऐसा मतलब ये फील नहीं हुआ कि भाई इस रियल व्हील ड्राइव है सबसे बढ़िया चीज जो इस गाड़ी की है। तो मैं स्नो में भी लेके जा चुका हूँ, मैं पिछले दिसंबर में कश्मीर गया था, कश्मीर में ऊपर जब जहाँ ये बोलते हैं कि भाई सारी गाड़ियाँ आप टैक्सी ही लेके जानी है, वहां पर भी हम लेके गए हैं, स्नो में भी ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ मैंने देखा अल्टिगा वगैरह इनोवा वगैरह स्लिप हो रही थी, वहां पर भी एक गो में निकल गई गाड़ी,
बट यही है कि अब क्रिटिसिज्म वाले यही बोलेंगे कि भाई फोर व्हील ड्राइव में ज्यादा वो होता है, कुछ नहीं है, सब ड्राइवर का खेल होता है। आपको निकालने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए गाड़ी कैसे चलती है, कहाँ आरपीएम छोड़ना है आपने, कहाँ क्लच छोड़ना है, बस उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। अब थोड़ा मतलब ड्राइवर पे भाई, जितना गाड़ी पे डिपेंड उतना ही ड्राइवर पे भी डिपेंड होता है ना। तो बाकी मतलब एक साल में आपने कितनी रन कर चुके गाड़ी? मेरी भाई 16,000 किलोमीटर चल चुकी है एक साल के अंदर अगर मैं बताऊं। और अभी कुछ दिन पहले ना ये हाईवे की ड्राइव थी तो मेरी, मैं बता रहा था 2-3 दिन पहले गए थे हम, तो आप लोग मानोगे नहीं पर 18 की माइलेज दे रखी है हाईवे पे। अच्छा ठीक है, तो 18 हमारी चली, 19-20 भी आई थी बीच में। मैं आया था 152D से अम्बाड़ा से होते हुए और अपने यहाँ तक रोहतक तक निकल के आए थे हम, और उस पे 20 की भी एवरेज आई है हाईवे पे, तो 100 पे क्रूज लगा के छोड़ दिया था मैंने, कुछ नहीं करा अपने चलते ही, उसमें तो ब्रेकिंग की भी जरूरत नहीं है, वो हाईवे बढ़िया बना हुआ है, तो 20 तक की भी एवरेज उस पे निकली थी। बट फिर वही है, वहां से सिटी ड्राइव आ जाती है आपकी सारी, ये रोहतक वगैरह होते हुए, नजफगढ़ होते हुए द्वारका की, तो उसके बाद फिर 18 की अभी फाइनल चल रही है। तो एवरेज के मुकाबले भी अच्छी खासी है ना। माय एवरेज अगर आप हाईवे की बात करो तो बहुत सही है, बाकी एवरेज मोस्टली हैवी व्हीकल्स का ना आपके रन पे डिपेंड होता है। हाँ। कि आप चलाते कैसे हो, आपने एकदम एस्केलेट करना है, पंजे पंजे का फर्क है भाई, एकदम खींच के लोगे तो भैया एवरेज तो डाउन जाएगी जाएगी। मैंने इसकी 7 भी आई हुई है, मेरी 7 पे भी चली हुई है पहाड़ों में, जब खींच के चलते हैं या कुछ भी चलते हैं तो 7 भी चलती है और 18 भी चल रही है, तो वो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट। और बाकी भाई सर्विस कितनी हो चुकी है अपनी अब तक? सर्विस यार अभी पहली तो सर्विस तो क्या ही होती है, वो 1000 किलोमीटर पे बस बेसिक चेक होता है, एक हो चुकी है, अब दूसरी करवाने जा रहा हूँ कल, इसकी दूसरी सर्विस पे जाएगी गाड़ी। तो मतलब सर्विस कॉस्ट क्या पड़ी थी अपनी पहली सर्विस पे? फर्स्ट तो फ्री होती है, उसमें तो कुछ नहीं, चेकिंग होती है। सेकंड सर्विस मतलब जिसको कहते हैं 10,000 किलोमीटर पे जो ऑयल वगैरह चेंज होता है, उसमें 6,000 के आसपास का कुछ कॉस्ट आया था, 6,000 बस 6400 के आसपास। उसमें अपने किस चीज के मतलब वो थे? कुछ 3 फिल्टर चेंज होते हैं, ऑयल फिल्टर होता है इसका, एसी फिल्टर होता है उसके साथ में आपका ऑयल चेंज होता है, तो एयर फिल्टर होता है एक, वो भी चेंज हुआ था, तो ये सारी चीजें चेंज हुई थी। उसके बाद 6400 का कुछ कॉस्ट बताया था वो, जो मेरे को याद है, वो भी आपके पास ना ऐप में आ जाती है सारी चीजें कि कब सर्विस हुई, कितने का कॉस्ट है। अच्छा। क्या कुछ वो चीजें लगी हुई है, सब कुछ ऐप में दे देते हैं, तो बेस्ट थिंग मेरे को यही लगती है इन गाड़ियों की ना, जो महिंद्रा इम्प्रूव कर रहा है, शायद हो सकता है कि दूसरी गाड़ियों में भी हो, पर मेरे को उसमें सारी चीजें दिखाई दे जाती है कि अब नेक्स्ट सर्विस कब है आपकी, कब ड्यू होने वाली है, कब करनी है, तो वो सारी चीजें देते हैं उसमें। मतलब आपने मतलब एक साल में पूरा एक्सपीरियंस ले चुका है आपने गाड़ी, है ना? हाँ, एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, अब तो बस कंटिन्यूएशन करना है, गाड़ी ठीक है, कहीं मात नहीं खाती, सबसे बढ़िया चीज, कहीं मतलब कीचड़ हो, बर्फ हो, रोड हो, रेती हो, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, सब कुछ। और अपने एसी के मुकाबले में कैसी है? एसी तो ऐसा है कि एसी है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे मैं कहूंगा, ठीक है। अब नॉर्मल जो गाड़ियों में ना एसी का इतना फर्क नहीं पड़ता इंजन पे, पर इसका नो डाउट इसका स्ट्रॉन्ग एसी है, और स्ट्रॉन्ग एसी के साथ में ना आपको माइलेज का डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो बिकॉज अब एसी को आप नॉर्मल टेम्परेचर भी करके चलाते हो तो फिर उसमें इतना मतलब 1-2 पर किलोमीटर का डिफरेंस आता है, पर स्ट्रॉन्ग एसी है, ऐसा नहीं है कि एसी बढ़िया अच्छा खासा है ना। हाँ, जिसको मतलब कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता एसी को, तो ऐसा है एसी इसका। और ऊपर से भाई अपनी रिलायबल तो है ही, अपनी महिंद्रा है तो। हाँ, महिंद्रा है, लोकल इंडियन कंपनी है। हाँ। सबसे बढ़िया बात यही है कि चीजें भी हैं हाथ में, और बाकी कंप्लेंट्स हो जाते हैं तो फिर उनका जवाब वगैरह भी सारी चीजें रिस्पॉन्स आता है, ऐसा नहीं है कि बैठ के और आप वेट कर रहे हो कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई अपडेट ही नहीं आई। और भाई मतलब सब कुछ बता दिया मैंने, और बाकी भाई म्यूजिक से रिलेटेड क्या मतलब कुछ है? म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी यार काफी बढ़िया रहा है मेरा, मतलब 6 स्पीकर्स में आता है ये, तो और हमने 2 ट्विटर। हाँ, 2 ट्विटर। तो बेस्ट पार्ट तो वही लगता है मेरे को इसका कि आप म्यूजिक का जो साउंड क्वालिटी है ना वो फ्रंट 5 सीटर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। लास्ट में इसमें बस 2 स्पीकर नहीं आते हैं, इससे ऊपर वाले मॉडल में शायद वो आते हैं, 8 स्पीकर आते हैं, तो लास्ट सीटर्स के लिए वैसे तो कम भी यूज होती है गाड़ी, पर फिर भी बस इंटरनल जो आवाज है, आवाज तो बहुत बढ़िया है, स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, और लास्ट सीट्स के लिए नहीं पता मेरे को, मैंने कभी बैठ के एक्सपीरियंस भी नहीं किया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। तो चलो एक बार एक सिस्टम मतलब म्यूजिक से वो सुना देते कैसा कुछ है। तो भाई ईयरफोन लगा लेना।
सिस्टम के मुकाबले तो बढ़िया, हम लोग कंपनी का है ना। हाँ कंपनी फिटेड है यार, तो सिस्टम की आवाज साउंड वगैरह देख के मेरे को पसंद आया था ये। और बेस भी अपना है ना, बेस बढ़िया है। बेस तो अभी मैंने इसका वैसे भी कम खोल के रखता हूँ मैं गाड़ी में, बिकॉज वो ना फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल में स्पीकर वाली बेस है ना। हाँ नॉर्मल स्पीकर वाली, पर फिर भी अच्छी खासी बेस आ रही है। अभी इसमें कोई बाहर से कुछ भी काम नहीं करा रखा मैंने, सिर्फ एक फुट मैट डलवाए थे महिंद्रा से ही, और उसके अलावा कोई काम नहीं करवा रखा। तो अभी मैं करवाऊंगा भी नहीं, अगले जो 3-4 साल तक है मेरे को नहीं लगता मेरे को जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी। उसके बाद हो सकता है सीट कवर गंदे हो जाए तो सीट कवर के ऊपर एक और लेयर चढ़ जाए बस। इसके अलावा शायद हो सकता है कि जरूरत पड़े तो एक फॉग लैंप लगवा दिया जाए, बस वो भी लुक एनहांस करने के लिए, बाकी उसकी भी जरूरत है नहीं गाड़ी में। ये तो है। तो भाई वीडियो का मतलब एंड में आ चुके, तो ये बताओ कि ड्रॉबैक क्या लगे अपनी गाड़ी का आपको। ये ड्रॉबैक दो है, एक तो कलर का है, ब्लैक कलर आपकी थोड़ी सी भी धूल उड़ती है तो मैं मतलब ऐसा होता है कि गाड़ी साफ करवाई, साफ करवाते ही आधे घंटे के अंदर फिर से उस पर रेत मिट्टी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। नंबर वन थिंग वो गाड़ी का नहीं है, वो तो असल में कोई भी गाड़ी हो कलर का है। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप माइलेज के लिए देखने चल रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये 12-13 की माइलेज जो है वो एक नॉर्मल गाड़ी से कम लगती है, तो उसमें आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा कम है। बाकी उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ड्रॉबैक है जिसपे हम ये कहें कि महिंद्रा गाड़ी अच्छी नहीं निकाली स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा ने। आपको इसके अलावा कोई अपना नेगेटिव पॉइंट लगता है नहीं गाड़ी में ना? नहीं नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। उसके अलावा टायर्स वगैरह भी बढ़िया दे रखे हैं MRF के, और स्टेपनी वगैरह भी सारी चीजें हैं, सारे टूल्स वगैरह सब कुछ, किट वगैरह सब कुछ देती है कंपनी, तो डेट इज गुड। और सर्विसेज वगैरह में भी ज्यादा दिक्कत नहीं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे देते हैं आराम से, कोई नहीं आपको मतलब ये मान लो विद इन 5-6 hours गाड़ी वापस भी आ जाती है। अगर आप से बात हो जाती है आपको जल्दी चाहिए तो 5-6 hours में मैक्सिमम सर्विस होके वापस भी आ जाती है। तो भाई ये पूछ, अगर ये बताए कि मतलब कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी जब आपने ली थी ऑन रोड? यार मेरे को पड़ी थी ये 19 something की पड़ी थी ऑन रोड विद रजिस्ट्रेशन, हरियाणा नंबर रजिस्ट्रेशन है मेरा 10% लगता है वहाँ पर, तो दिल्ली में शायद 12% है, तो 19-19 के एयरफेयर में गाड़ी पड़ती है। तो एक 7-seater के हिसाब से और SUV के हिसाब से तो 19 लाख में तो कोई काट नहीं है ना, इसीलिए शायद प्रेफर्ड थी कि 7-seater के हिसाब से ना। अगर आप और देखना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शंस में सिर्फ एक XUV 700 आप ले सकते हो, वो इससे रेट में शायद अगर यही सारे फीचर्स उसमें आप चेक करना चाहोगे ना तो उसमें 2 lakh रुपए का और अंतर है। हाँ। अगर सेम फीचर्स की मैं बात करूं तो, बिकॉज साथ साथ में एक और दोस्त है वो भी ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है, उसने ली थी XUV 700। मेरा पहले उसी का थोड़ा बहुत मन बना हुआ था बट फिर उसने ले ली, मगर फिर कोई नहीं यार एक्सचेंज कर करके चलाते रहेंगे जब चाहिए होगी, तो इसी चक्कर में फिर मैंने स्कॉर्पियो के ऊपर गया। तो भाई जैसे आपने भाई अपनी ये नॉर्मल लिया 4x2 में, आपको 4x4 की कमी नहीं लगी? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि एक चीज जो ड्राइवर के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, दूसरी चीज है कि मैं बर्फ तक चला चुका हूँ, तो मेरे को वो प्लेस समझ में नहीं आया जहाँ पर 4x4 की इंडिया में आपको रिक्वायरमेंट हो। लद्दाख तक ये गाड़ी जा चुकी है, कश्मीर घूम चुकी है, अब इससे ज्यादा खतरनाक रोड तो मेरे को नहीं लगता कहीं और होंगे। अब तो कोई जान मुझे खेतों में घुसाएगा तो अलग बात है। यार फिर वो तो ये ट्रैक्टर थोड़ी बना रखा है, गाड़ी है आपके, आप लग्जरी भी चाहते हो और इसको ट्रैक्टर भी बनाना चाहते हो तो फिर तो बात अलग है। फिर तो कि भाई इनफ है, मतलब अपनी 4x2 कोई कमी नहीं है ना इसके हिसाब से, इनफ है महिंद्रा के हिसाब से। इंजन बढ़िया है, हैवी इंजन है, शायद 2500 या 2200 cc पता नहीं कितने का है, अब तो याद भी नहीं है मेरे को। जब स्टार्टिंग में जब चीजें लेते हैं तब बंदा सारी रिसर्च करता है, अब तो मेरे को बस ये पता है कि ये गाड़ी है और बढ़िया चलती है, वाइपर वगैरह सारी चीज बढ़िया है। तो भाई गाड़ी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, और भाई मतलब बहुत
अच्छी गाड़ी है, मतलब ये लगा लो 7 सीटर के मुकाबले में ना भाई बेस्ट गाड़ी है ना। हाँ, इस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता कि आपको और कहीं कुछ मिलेगा इस प्राइस रेंज में, तो महिंद्रा ने ये बढ़िया ऑप्शन दिया है सबको। और स्कॉर्पियो क्लासिक में शिफ्ट हो सकता है बंदा, पर वो थोड़ा आपने लग्जरी टाइप में नहीं है, वो थोड़ी रफ एंड टफ गाड़ी है, तो उसको हर बंदा प्रेफर नहीं कर सकता। बस इसीलिए है वो थोड़ा सा थोड़ी लग्जरी वगैरह आप कह लो, या उसकी रोलिंग की जो पहले इश्यूज थे अब तो नहीं पता मेरे को, वो सारी चीजें इसमें सारी ओवरकम हो जाती हैं। तो भाई गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू बता दिया मैंने, ऑन रोड क्या कुछ पड़ा सब कुछ बता दिया। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।